हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक फेमस पोकेमॉन यूट्यूबर पोकेमॉन गुरुजी के बारे में। मैं उनके एक वीडियो को रॉन्ग प्रूफ करने वाला हूँ जिन्होंने टॉप 5 इंडियन पोकेमॉन के बारे में कहा था। ये वीडियो काफ़ी अच्छे से वायरल हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पोकेमॉन जो है वो एक जापान में है, और जो ये सारे पोकेमॉन के नाम उसने लिए हैं उनके एनिमल फॉर्म जापान में भी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रालीगेटर की बात करें तो यार जोटो रीजन में टोटोडाइल का और इंडिया में क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और उसी के कारण ये इंडिया का पोकेमोन है। और देखा जाए तो जिस प्रकार क्रोकोडाइल ऑफिशियली इंडियन पोकेमोन है, सो पहली बार क्रोकोडाइल सेंट्रल अफ्रीका में ज़्यादा फेमस है। और इतना ही नहीं, इंडिया में जस्ट 4,200 स्पीसीज है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 1,500 यानी कि फैक्ट नंबर 5 पोकेमॉन गुरुजी का एकदम रॉन्ग है। एकदम पोकेमोन है और काफ़ी रेयर पोकेमोन है। सो ये इंस्पायर हुआ है इंडिया के बियर से, यानी कि भालू से। इंडिया के बात भालू यूके में ज़्यादा फेमस है। और इतना ही नहीं, स्नोलैक्स एक हाइबरनेशन बियर है, यानी वो पोलर बियर भी हो सकता है, जो नॉर्थ पोल में ज़्यादा फेमस है, यानी कि उसका फैक्ट नंबर 4 भी रॉन्ग है। पहली बात, भालू हर जगह पाए होते, चाहे वो जापान हो या इंडिया। कोई नहीं, हम सबका प्यारा और मोस्ट फेमस पोकेमोन वुल्लू है। आप बोलोगे वुल्लू कौन है? वुल्लू अभी अभी नया पोकेमोन आया है गलार में, वो इंस्पायर हुआ है इंडियन शिप से, यानी कि इंडिया की जो बकरी होती है उनसे इंस्पायर हुआ है। और जहाँ तक शिप की बात है, वो भी हर जगह पाए जाते हैं, और स्पेन और इटली की शिप ज़्यादा ही फेमस है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये भी फैक्ट रॉन्ग है। लेकिन एक बार बता दूँ, एनिमल्स हर जगह पाए जाते हैं। अगर पोकेमॉन कंपनी को फेमस करना ही होता इंडिया में एक पॉपुलेशन की वजह से, तो पहली बात वो पहले ही अनाउंस कर देते, ऐसे छुपा छुपा के नहीं रखते। और पहली बार वो लोग हर एक कंट्री से कुछ एनिमल्स को पोकेमॉन के फॉर्म में बनाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ इंडियन फॉर्म्स में हो। तो मैं बताता हूँ कि कौन सा फैक्ट पोकेमॉन गुरुजी का करेक्ट है। वैसे भी पोकेमॉन गुरुजी ने कहा था, उन्हें ये सारे इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से मिली थी या फिर उन्होंने फैन से सुने थे, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने रॉन्ग हुआ हो। वैसे ये सब सुन के मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, सोल कैल्यू का फैक्ट करेक्ट हो सकता है, क्योंकि एशियन लायंस बूटी फेमस है। और अगर आपने 98 में पढ़ा होगा तो आपको मालूम ही होगा कि इंडियन लायंस भी काफ़ी फेमस है और उनकी पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये था उनका फैक्ट नंबर 1, और अभी फैक्ट नंबर 2 भी उनका सही है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया का नेशनल एनिमल और कोई नहीं टाइगर है, और ये पोकेमॉन भी टाइगर से इंस्पायर हुआ है। इसकी बॉडी देखो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मैंने बता दिया है कि पोकेमॉन गुरुजी की क्या क्या गलतियाँ थी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अभी मैं कुछ लोगों के नाम बताने वाला हूँ जिनके चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप लाइक उनके वीडियोस को और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टामी ब्लास्टॉइस, इनका वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और हिस्टोरिकल चारिज़ार्ड को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे भी वैसे पोकेमॉन गुरुजी के फैक्ट को रॉन्ग प्रूफ करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हूं सिकंदर।